मधु शर्मा ने, जी हाँ, भोजपुरी की एक प्रोमिनेंट फेस मानी जाती हैं। भोजपुरी में इन्हें एक अलग दर्जे की हीरोइन कहा जाता है और एक ऐसी फैन फॉलोइंग मधु शर्मा कैरी करती हैं जिसके लिए हर भोजपुरिया स्टार चाहता होगा कि उसके पास इतनी डिसेंट फैन फॉलोइंग हो। खैर, मधु शर्मा ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। मधु शर्मा ने अक्षरा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा है। अक्षरा सिंह को खरी खोटी सुनाई है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में मधु शर्मा ने अक्षरा सिंह का लगाया हुआ एलिगेंस के ऊपर जवाब देते हुए कहा है, अक्षरा सिंह ने जो बात हुई ही नहीं उसके लिए उन्होंने उसको अलग ही रूप दिया है। जी हाँ, आपको हम बताते हैं पूरा माजरा क्या है। एक्चुअली अक्षरा सिंह के माध्यम से ये बात सामने आई थी कि पवन सिंह और मधु शर्मा में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में धक्का मुक्की तक हुई है। लेकिन जैसे ही ये सवाल मधु शर्मा से पूछा गया तो मधु शर्मा ने तुरंत इनकार किया और बताया पूरा मामला क्या था। मधु शर्मा और पवन सिंह की फिल्म आई थी चैलेंज। इस फिल्म में मधु शर्मा और पवन सिंह की जोड़ी को लोगों ने पसंद भी किया था और यह फिल्म सुपर डुपर हिट भी रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पवन सिंह का जो नेवल वाला सिग्नेचर स्टेप है जो वो हर एक हीरोइन के साथ करते हैं, चाहे वो अक्षरा हो या फिर आम्रपाली हो या फिर काजल राघवानी हो, उन्होंने वो नेवल वाला स्टेप हर एक एक्ट्रेस के साथ किया है। लेकिन मधु शर्मा को छोड़कर, मधु शर्मा को ये नेवल वाला स्टेप उनका पसंद नहीं आता है। और बस बात यही थी, जैसे ही चैलेंज का गाना पिक्चराइजेशन होने लगता है उस गाने में मधु शर्मा ने चोली और घाघरा पहना हुआ रहता है और उनका नेवल वाला स्टेप उसी गाने में पवन सिंह के साथ पिक्चराइजेशन होने वाला रहता है। लेकिन जैसे ही ये बात मधु शर्मा को पता चलती है वैसे ही मधु शर्मा पवन सिंह के साथ ये स्टेप करने के लिए मना कर देती हैं और उस गाने के कोरियोग्राफर ने भी मधु शर्मा को समझाया कि मैडम ये सिग्नेचर स्टेप पवन सिंह का है, आपको ये करना चाहिए और इसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगी, इसमें कुछ भी वल्गर नहीं है। और यही बात पवन सिंह ने भी मधु शर्मा को कही कि मेरे ऑडियंस को ये स्टेप बहुत पसंद है और मैं ये स्टेप हर एक हीरोइन के साथ करता हूँ। लेकिन मधु शर्मा ने पवन सिंह को ये समझाते हुए कहा कि ये स्टेप में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं ये स्टेप आपके साथ बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, उस वक्त पवन सिंह को बुरा जरूर लगा था, इन दोनों के बीच कहा सुनी जरूर हुई थी, लेकिन ये धक्का मुक्की वाली बात नहीं हुई थी। जिस तरह अक्षरा सिंह ने इस बात को लोगों को बताया उस तरह बिल्कुल नहीं हुई थी। बस इसी बात को लेकर अक्षरा को धो डाला मधु शर्मा ने। जी हाँ, इस इंटरव्यू में अक्षरा सिंह के बारे में उन्होंने ये भी बातों बातों में कहा कि अक्षरा सिंह उनकी एक अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, फिर बाद में अपनी गलतियों को सुधारते हुए मधु शर्मा ने ये कहा कि आज भी वो उनकी अच्छी फ्रेंड हैं। अब अगर आप मधु शर्मा की बातों को ध्यान दें तो मधु शर्मा पवन सिंह के साथ चैलेंज के बाद माँ तुझे सलाम और फिर उसके बाद फिल्म जय हिंद में नजर आ चुकी हैं और दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। इन दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को बहुत पसंद आती है। लेकिन मधु शर्मा ने यहाँ जाते जाते या इंटरव्यू खत्म होते होते ये जरूर कहा अक्षरा सिंह को अपने और पवन सिंह की लड़ाई में किसी तीसरे को नहीं घसीटना चाहिए और इन दोनों को अपना मसला खुद ही सुलझाना चाहिए, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। मधु शर्मा इस बात से भी आहत थी कि जो बात थी ही नहीं अक्षरा ने उसे बनाकर भी पेश की और जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि वो काफ़ी हर्ट भी हैं। वैसे चाहे जो भी हो, इंटरव्यू देखने के बाद ये पता चलता है कि मधु शर्मा की तल्खी अक्षरा सिंह से पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।